अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरएमटी टीवी। मैं हूं आपका होस्ट शयान अब्बासी। जैसा कि आपको मालूम है कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के पेपर शुरू हो चुके हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ दो भाई मौजूद हैं जिनका आज इनसे पूछते हैं, जिनका आज केमिस्ट्री का पेपर था, इनका पेपर कैसा हुआ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कैसा हुआ आज आपका पेपर? ठीक हुआ है, आसान था पेपर लेकिन ठीक था। मैंने सही हुआ, ज़्यादा अच्छा भी नहीं हुआ, ठीक हुआ पेपर हमारा आज। उस हिसाब से ठीक ही था, ज़्यादा पास हो जाएंगे? पास तो आराम सुकून से हो जाएंगे, पास का मसला कोई। पेपर आसान आया या मुश्किल आया? आसान था, मतलब उस तरह जो नया पैटर्न चला है ना, मतलब दो क्वेश्चन होते हैं ना, मतलब पहले तो आ गए थे 17-15 करते थे, अब दूसरा हिसाब है वो ज़्यादा मेरे हिसाब से। अब कौन सा हिसाब है? अब ये ना कि मतलब दो क्वेश्चन देते हैं, उनमें से एक करना होता है। 14 क्वेश्चन है, इसका मतलब 28 आए हुए हैं। 28 में से आपने 14 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन इसमें ये है कि अपनी मर्जी नहीं, उनकी मर्ज़ी के हिसाब से उन्होंने दो ही दिए हुए हैं, उन दोनों में से चॉइस आती है। तो ये बेहतर है ना जो इसके नस्बत के जो पहले उसने तैयारी जो की होगी, अगर उसने दोनों उसको ना आते हो ये भी है, दोनों आते हो ये भी है, लेकिन अब आगे अल्लाह की मर्ज़ी जो होता है। चलो जी, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। शुक्र अल्लाह पाक का। लगता है आपको ठंड लगी हुई है। जी जी, क्लास भी ठंडी थी और पेपर भी जरा ठंडा ही था। क्या वजह है, पेपर क्यों ठंडा हुआ आपका? सारा साल कुछ और पढ़ाते हैं और पेपर में कुछ और आ जाता है। ये क्या बात हुई कि पेपर बुक में से नहीं आया, आउट ऑफ द सिलेबस आए? जी जी, कुछ आउट ऑफ सिलेबस है, कुछ बुक से है, कुछ हमने नहीं तैयारी की। अच्छा, तो इसमें किसको आप कसूरवार समझते हैं? इसमें खुद को भी कसूरवार समझते हैं और जो इसने पेपर बनाया है उसको भी कसूरवार कराते हैं, यानी फेडरल बोर्ड को। जी जी बिल्कुल, फेडरल बोर्ड। शुक्र अल्लाह। कैसा हुआ आपका पेपर? अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ज़बरदस्त हो गया, यानी कि आप लाइक स्टूडेंट हैं। बिल्कुल लाइक स्टूडेंट। तो पेपर आसान आया था? बस गुजारा था, इतना आसान नहीं था, थोड़ा मुश्किल था, थोड़ा आसान था। साल पूरा पढ़ने वाले हैं या सिर्फ पेपरों में? मौसमी स्टूडेंट है हमारी तरह। मौसमी स्टूडेंट है। अच्छा, मौसमी स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपका कैसा हुआ पेपर? मेरा भी ठीक ही हो गया। अच्छा हुआ पेपर? जी अच्छा हो गया। तैयारी करके आए थे आप? नहीं नहीं, तैयारी की तरकी। क्यों, यहाँ से कोई आमद हुई है पेपर के दौरान? बस अल्लाह की मदद हुई। अल्लाह की मदद हुई है। तो नकल वगैरह होती है यहाँ? नहीं नहीं, नकल बहुत ज्यादा सख्ती है अंदर, कोई नहीं करने देते, देखने नहीं देते आगे पीछे, तो नकल क्या होती। अच्छा, बहुत सख्ती की हुई है। ठीक, माहौल ठीक है। फेडरल बोर्ड को क्या कहना चाहेंगे, ये वीडियो आपको उन तक जाएगी? फेडरल बोर्ड को ये कहना चाहेंगे कि पेपर के अंदर मतलब मदद कराएं बच्चों की, चीटिंग शीटिंग कराया करें, सबकी मदद सदका जा रही है। फेडरल बोर्ड चीटिंग कराया आप? ये ठीक है, फेडरल बोर्ड सुन लीजिए, ये बच्चों की चीटिंग शीटिंग कराया करें, सबकी मदद सदका जा रही है। फेडरल बोर्ड चीटिंग कराया आप? ये ठीक है, फेडरल बोर्ड सुन लीजिए, ये भाई कह रहे हैं कि फेडरल बोर्ड चीटिंग कराया करे ताकि सारे बच्चे पास हों। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो पेपर नहीं जी। क्या वजह? पूरा साल बुक नहीं खोली, अब आगे किधर फिर उधर पेपर में बैठ के सर को तंग करने वाली बात है। वो भी कहती हैं चलो जाओ यहाँ से, क्या कर रहे हो? सर को तंग कर रहे हैं और उन्होंने कहा जाओ जी, जान छोड़ो हमारी। बिल्कुल। तो पेपर आपका? पेपर बहुत मुश्किल था, बस गुजारा ही हुआ है हमारा। बहुत मुश्किल था? बहुत मुश्किल था, जी भी कोई समझ भी नहीं आ रहा था। हुआ क्या, आउट ऑफ द सिलेबस आया है या सिलेबस में से ही आया लेकिन टेक्निकल आया? टेक्निकल टाइप था, हाँ जी। लॉन्ग तो ठीक है लेकिन शॉर्ट बहुत टेक्निकल थे। प्रिपरेशन नहीं की थी आपने उस पर? इसके हिसाब से प्रिपरेशन थी लेकिन ये जो आया है ना, मतलब इस हिसाब से नहीं थी, मतलब अभी दुख ही हो रहा है कि ये क्या कर दिया है, अभी प्रिपरेशन करनी चाहिए थी। तो पास हो जाएंगे? पास के चांसेस हैं। चलिए अल्लाह पाक आपको कामयाब। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ये ज़रा कैमरे की तरफ इधर से। कैसा हुआ आपका पेपर? पेपर ठीक हुआ। अच्छा हो गया, मुतमईन है? मतलब इतने तो नहीं लेकिन ठीक हुआ, आसान था पेपर। लॉन्ग क्वेश्चन आसान थे, शॉर्ट थे, वैसे लोग बेस्ट कॉन्सेप्चुअल थे, लॉन्ग आसान थे। तो आपने तैयारी की होगी तो आपने हल कर लिया? तैयारी मतलब जो तैयारी की थी वैसा तो नहीं आया पेपर, लॉन्ग आसान थे, शॉर्ट मुश्किल था। अस्सलाम वालेकुम जी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पेपर दे के बाहर आ चुके हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? कैसा हुआ पेपर आपका? बस 50-50। 50-50 मतलब अच्छा भी और बुरा भी? हाँ, टाइम की कमी हो गई। यानी आप कह रहे हैं कि 3 घंटे इनफ नहीं है कि पेपर इसमें अटेम्प्ट नहीं हो सकता? मे भी हाँ कि 3 घंटे इनफ नहीं थे। कितना टाइम होना चाहिए पेपर के लिए? आधा घंटा और। आधा घंटा और, यानी 3.5 घंटे हो तो आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। फेडरल बोर्ड को कोई पैगाम देना चाहेंगे?
कि अपना सिस्टम अच्छा करे। क्या बेहतर करने सिस्टम है? चूँकि रोल नंबर दफा के पीछे हुए, सीट्स नहीं मिली, सीट्स नहीं मिल रही थी आपको। बहुत शुक्रिया। अब साहब आप क्या कहना चाहेंगे? बस हम तो यही कहना चाहेंगे कि टाइम थोड़ा सा कम होता है हमारे लिहाज से, टाइम पेपर मैनेज नहीं होता सारा, तो कम से कम आधा घंटा और बढ़ा, साढ़े तीन घंटे हो तो इनफ है। जी जी बिल्कुल। भाई जान आप क्या कहना चाहेंगे पेपर? हम यही कहना चाहेंगे हमारा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ है, बहुत आसान पेपर था। आसान पेपर हुआ, हलवा था? हलवा था, बिल्कुल हलवा था। तो आप खुश हैं फेडरल बोर्ड से भी, अपने टीचर में कोई शिकायत नहीं है, किसी से भी कोई शिकायत नहीं है, सारे सर भी अच्छे हैं, टीचर भी अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं। ऐसा हुआ पेपर आपका? पेपर तो आसान था लेकिन कर लिया इधर उधर से देख के। इधर उधर से कोई आमद हुई है? जी अल्लाह की बस आ गई है आमद। तो आपके जो आपके दोस्त थे उन्होंने आपकी हेल्प की और पेपर अच्छा हो? बहुत हेल्प की उन्होंने मेरी, बहुत ज्यादा हेल्प की उन्होंने, सही बात है। आपने तो मतलब अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट किया, बहुत ज्यादा हेल्प आ गई है, आता ही नहीं था पहले पेपर, और बाद में आस्ता आस्ता किया तो सारा पेपर हो गया। ये देखें जी इन भाई का पेपर, ये जब एग्जाम हॉल में एंटर हुए तो कहते हैं मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन इनके दोस्तों ने इनकी हेल्प की और कहते हैं पेपर अच्छा हो गया। जी फेडरल बोर्ड को क्या पैगाम देते हैं आप? फेडरल बोर्ड को है कि आसान पेपर था उनका, और क्या नाम है उधर क्या नाम है मुश्किल देते हैं और ये आसान था। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाएं। शुक्र अल्लाह। कैसा हुआ पेपर आपका? पेपर ठीक हो गया, इतना गंदा भी नहीं हुआ। इतना गंदा भी नहीं हुआ, इतना अच्छा भी नहीं हुआ, दरमियाना हो गया। अच्छा ये भाई के भी पेपर अच्छा हो गया है। आपका कैसा हुआ? हम तो पक्के फेल है, हमारा बहुत बुरा हुआ। क्यों यार क्या वजह? बस टाइम भी बहुत कम था, तो 3 घंटे काम थे, हमारे लिए बिल्कुल नहीं हुई, चीटिंग नहीं हुई ना। तो क्या कहते हैं आप, चीटिंग होनी चाहिए? मैं कहता हूं पैसे ले चीटिंग कराएं खुली खुली। अच्छा जितने पैसे बोलते हैं तो इसमें तो आपका मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। मुस्तकबिल पहले कौन सा बनूंगा? नहीं इसे बन सकते हैं ना, आप अच्छी तालीम हासिल करें, कल कल आप अच्छे पोस्ट पे जाएं। नहीं जो पेपर आता है ना, जो हम पढ़ते हैं ना पेपर, वो नहीं आता, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते, आउट ऑफ द कोर्स आते हैं, क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा देते हैं, सीधे सीधे सवाल है, फिर हम उसके अंडरस्टैंडिंग भी पेपर का हिस्सा होती है ना। हाँ वो बात तो है। तो आप क्या कहना चाहेंगे भाई? मैं बस ये कहना चाहूँगा जरा बोर्ड वाले मेहरबानी करें, जरा सिस्टम आसान करें। ये भाई बोर्ड वालों को कह रहे हैं जी मेहरबानी करें और सिस्टम आसान करें। सिस्टम किस तरह आसान हो सकता है? ये जो घुमाने फिराने वाला काम है ना, ये बहुत खराब करता है बच्चों को। ये भाई कह रहे हैं जी घुमाने फिराने वाला काम बच्चों को खराब करता है, आप इत्तेफाक करते हैं? मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, ये बोर्ड की पॉलिसी बिल्कुल गलत है कि कभी कोई चेयरमैन आ गया कभी कोई, तो इसमें हर साल इसमें चेंजिंग होती है, बोर्ड का भी पैटर्न अलग होता है, कोर्स भी चेंज हो जाता है, ये चीज बिल्कुल गलत है। या तो कॉन्स्टेंटली आप ये समझते हैं स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी है? नाइंसाफी बिल्कुल ज्यादती है। आप इनसे इत्तेफाक करते हैं? जी बिल्कुल। हमें आप देखें सवाल 2 पार्ट में आते हैं, अब सवाल की इतनी जगह ही नहीं होती कि वो शीट पे पूरा करें, उसे आधा आधा करके करना पड़ता है, ऊपर से इन्होंने नया सिस्टम ऐड दिया। अभी तो ये AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अभी इनकी पॉलिसी चेंज हो रही है कि उसके जरिए पेपर चेकिंग होंगे, वो तो मजीद मामला खराबी की तरफ जाएगा। अब देखें ना, अब आप आधा करें तो AI ने क्या देखना है कि आपने शीट पे सही किया कि गलत, अब आप उसे आधा यहाँ पे कोई और नजर आएगा आधा वहाँ पे, तो उसने तो गलत करना है, तो हमारे ही नंबर कम आएंगे और फिर आखिर में हमारी मुस्तकबिल तबाह होगा पाकिस्तान के साथ साथ। तनवीर भाई आप क्या कहना चाहेंगे जी, आपका पेपर कैसा हुआ? पेपर तो सही नहीं हुआ। सही नहीं हुआ, क्या वजह? बस ये जो हमने याद किया था वो उन लोगों ने दिया नहीं है। नहीं आया वही है लेकिन थोड़ा टेक्निकल आया। क्या पैगाम है फेडरल बोर्ड के लिए आपका? पैगाम क्या देंगे अब हम? नहीं कुछ तो दो, आपकी आवाज ये वीडियो अब पहुंचेगी उन तक, हम क्या देंगे पैगाम? आप देना चाहेंगे कोई पैगाम? पैगाम तो यही देना चाहेंगे कि थोड़ा पेपर हमारी मेन मसला ये है कि सारी चीज़ें हमारी बारी होनी चाहिए, जो कि SLO भी हमारी बारी आया और कोर्स भी हमारी बारी चेंज हुआ, बुक्स भी हमारी बारी 3 दिन लगी, और दूसरी बात कि एक क्वेश्चन में 2-2 चॉइसेस पहले, ये तो बेहतर नहीं थे? ये बेहतर नहीं है क्योंकि कभी बार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन में 2 चॉइसेस है, कभी कभार दोनों नहीं आते, इस तरह भी होता है, फिर वो जो क्वेश्चन है उसमें मसला बनता है। आप इत्तेफाक करते हैं इनसे? सर ये हमारा पैगाम है बोर्ड को, खुदा का नाम पे हम पे कैमरे में देख के पैगाम, हम पे हाथ होला रखें, अगर हमें आपने पहचान लिया तो हमें बख्श दें, ऐसे ऐसे शॉर्ट पूरा साल नहीं पढ़े, एक चैप्टर में से 6-6 शॉर्ट और बाकी 6 चैप्टर को हाथ ही नहीं लगाया, बड़ी मुश्किल होती है ऐसा पेपर करते हुए, और बस अल्लाह के आसरे पेपर किया है, आगे पीछे ऐसे शॉपर बैठे होते जो बताते ही नहीं है। सर जी आपके दोस्त हैं वो, उन्हें शॉपर तो ना बोले। सर जी दोस्त होते तो बताते हैं ना। नहीं शॉपर तो ना बोले जी। सर जी दोस्त होते तो बताते हैं ना। बस उस वक्त उनको अपनी पड़ी होती है, क्योंकि हर बंदे की यही कोशिश होती है मैं पास हूँ,
सर जी पास हो जाते हैं, वो कहते हैं एक एक नंबर के लिए हम लड़ते रहे और दूसरा वाड़ जाए। अच्छा वाड़ जाए, वाड़ जाए। एक छोटी सी बात और जी जी बताएं कि देखें फेडरल बोर्ड अभी आप जाएं कहते हैं जी फेडरल बोर्ड इज द टफेस्ट बोर्ड इन द पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का सबसे टफ बोर्ड है, ठीक है। और लेकिन इसका क्राइटेरिया अगर आप मेडिकल यूनिवर्सिटी कहीं भी जाएं इसका क्राइटेरिया 95% 98%, और जबकि मुल्तान बोर्ड को हार्ट बोर्ड का क्राइटेरिया है जी 90% 92%। और हालांकि उधर के पेपर भी इतने आसान आते हैं, वहाँ के बच्चे जो 90% ले सकते हैं वो यहाँ फेडरल बोर्ड का पेपर इतनी आसानी से नहीं कर सकते। तो मेरी ये भी एक रिक्वेस्ट है कि आप ये मेडिकल यूनिवर्सिटी वगैरह फेडरल बोर्ड का थोड़ा क्राइटेरिया मेरिट थोड़ा कम रखें। बहुत शुक्रिया भाई। आरएमटी टीवी की जानिब से अपने स्टूडेंट्स के लिए एक पेड गैस पेपर हमने तैयार किया है, जिस जो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह केमिस्ट्री का पेपर हुआ है तो 95% आया है। तो इन भाई ने हमारा गैस पेपर यूज़ किया, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या कहना चाहेंगे आपने गैस पेपर जो यूज़ किया? गैस पेपर में बहुत कुछ हमें हेल्प हुई है उससे, 90% उससे ज़्यादातर तकरीबन उससे पेपर आया हुआ है, तो गैस से हमारे गैस पेपर से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है उससे। तो क्या आप कहना चाहेंगे स्टूडेंट को लेना चाहिए? जी बिल्कुल, क्यों नहीं लेना चाहिए, गैस पेपर अच्छा है, आपकी हेल्प कर सकती है। तो अगर स्टूडेंट्स आपको आइंदा जो पेपर आ रहे हैं फिजिक्स का है, मैथ का है, बायो का, अगर आपको गैस पेपर चाहिए जो आरएमटी टीवी की जानिब से स्पेशल आपके लिए तैयार किया गया, तो व्हाट्सएप नंबर वीडियो में हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको गैस पेपर मिल जाएगा। अपने मेज़बान शयान।